हेलो फ्रेंड्स, ज्योति किचन में आज मैं लाई हूँ आपके लिए सूजी मावा गुजिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और ये बहुत ही खास्ता बनती है। ये देखिए मेरी गुजिया कितनी खास्ता तैयार हुई है और ये देखने में भी बहुत ही क्रिस्पी है। इस पे मैंने मावा सूजी का फिलिंग करा है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है। ये बाजार जैसे इसका बिल्कुल ही टेस्ट आता है। मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और लगभग 100 ग्राम इसमें मैंने घी यूज़ की है। आप चाहो तो इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो। इसे हमें धीरे धीरे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है। आटा हमारा जितना अच्छा से मिक्स होगा, हमारा गुजिया उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसे आप मुट्ठी में बांध कर देखोगे, अगर मुट्ठी अच्छे से बन रही है मतलब ये बहुत अच्छे से आटा तैयार हो चुका है। इसे गूंथने में हमें पानी बहुत ही कम लगेगी, क्योंकि हमने जो घी इसमें यूज़ किया उससे ही मैदा बहुत अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका आटा तैयार करेंगे। एक बार में अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो आटा नरम हो जाएगा। हमें आटा सख्त तैयार करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर ये हम आटा को अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए, आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम सेट होने के लिए लगभग 15 मिनट छोड़ देंगे। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिया, इसमें काजू, पिस्ता बादाम, किशमिश डाला। पैन पर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें हम काजू, पिस्ता बादाम इन दोनों को डालकर लाइट ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने किशमिश को ऐड नहीं किया, वरना किशमिश जल जाएंगे। जब ये भुन जाए तो इसमें थोड़ी डालकर किशमिश को हमें निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट डालने से गुजिया टेस्टी भी बनती है और ये हेल्दी भी हो जाती है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। आप इस ड्राई फ्रूट्स को चाहो तो चाकू की सहायता से मैं छोटे छोटे कट करके आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या आप इसे कूट कर भी डाल सकते हो। इसी घी पे हम सूजी को भी भून लेंगे। सूजी को हमें कम आंच में धीरे धीरे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है। ये देखिए, ये लगभग अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन पे निकाल लेंगे। इस ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का दरदरा कर लिया, इसे बहुत महीन नहीं करना। और सूजी भी ठंडी हो चुकी है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को सूजी में मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मावा लिया है खोया, ये आपको बाजार में मिल जाएंगे। अब इस खोए को हम सूजी में डालकर हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे पैन में डालकर भी इसे लगभग 1 मिनट तक चलाकर इसे तैयार कर सकते हो। इसे हाथों की सहायता से इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये सूजी और मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। गुजिया बनाने का सबसे खास ट्रिक ये होता है कि इसमें हमें पीसी हुई चीनी यूज़ करनी है, वरना अगर आप वैसा चीनी यूज़ करोगे तो ये उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया। फीलिंग हमारी जितनी अच्छी बनेगी गुजिया खाने में उतनी टेस्टी होगी। इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, ये लगभग मैंने 100 ग्राम पीसी हुई चीनी डाली है। चीनी को आप मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लो और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इसे हमारा मिक्सर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम गुजिया को बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए आप बाज़ार से
भी ला सकते हो, जिसमें डालकर गुजिया तैयार कर सकते हो, पर मैंने हाथों की सहायता से गुजिया बनाई है। पहले एक पूड़ी की साइज़ का हमें रोटी बनानी है और इसमें 1 चम्मच फिलिंग, फिलिंग ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि अगर ये अच्छे से बंद नहीं होंगे तो ये फट जाएंगे और तेल में हमारा सारा मिक्सचर निकल जाएगा। इसके चारों साइड हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लगा लेने हैं, जिससे कि ये बिल्कुल खुलते नहीं हैं। अब इसके अच्छे से हमें दोनों साइड्स को पहले हाथों की सहायता से दबाकर इसके अच्छे से बंद कर लेना है। अब आप चाहो तो हाथों की सहायता से या कांटा चम्मच किसी से भी आप किनारे को अच्छे से दबाकर इसे अच्छे से बंद कर लोगे। ये देखिए, ये अच्छे से बंद हो चुका है। ये तेल में जाने के बाद भी ये खुलेगा नहीं। इसमें जो पूड़ी हम बनाते हैं उसे हमें पतला बनाना है, अगर हम मोटे बनाएंगे तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरीके से हमें सारे गुजिया को पहले फील करके तैयार करके रख लेना है, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। अब इसके साइड्स को आप अगर हाथों की सहायता से मोड़ दोगे तो भी ये नहीं खुलेंगे। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से इसे अच्छे से मोड़ लेना। ये देखिए, गुजिया का शेप भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख भी रहा। इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया को फिल कर लिया है। अब हमें इसे तेल में फ्राई करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरी जानकारी की बात यह है कि इसे हमें ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे, फिर उसे हमें ऑन करके उसमें गुजिया डालना है और इसे कम आंच में हमें इसे दोनों साइड अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। अगर आपके तेल ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो आपको एक बार में ज़्यादा गुजिया डालना है, जिससे कि तेल हमारा ठंडा हो जाता है और ये धीरे धीरे बनकर तैयार होते हैं। इसे अच्छे से दोनों साइड हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तेज़ आंच में अगर आप डालोगे तो इसमें ये खास्ता नहीं बनेगी। ये देखिए, कितने अच्छे से गुजिया बनकर तैयार हुई है। इसे हम निकाल करते हैं।